बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इंटरेस्टेड माटर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल साइंस एमसीक्यूज के सिलसिले में यूनिट नंबर 8 क्लास 10th का बुक हमने शुरू किया है जनरल साइंस का, और आज यूनिट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। इसका यूनिट नंबर 6 और 7 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज के यूनिट में टोटल 18 क्वेश्चन है, और आज की यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखें आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, द नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम डिप्लाइड नंबर इज, दैट इज टोटल चूंकि 46 होते हैं, इसको हाफ कर लो तो 23 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर टू देखे, दो नंबर क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, इट अकर इन प्रोपेज 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर तीन देखे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को, ईच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, जीन। एंड क्वेश्चन नंबर फोर देखे, चार नंबर क्वेश्चन को, अ हाईली काइल्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन formed in the cell nucleus during meiosis and mitosis is, that is chromosome, option a the correct option। question number 5 take, five number question ko, a double helical molecule consisting of two strands of 4 different nucleotides containing a genetic information is, that is DNA, option B correct है। और question number 6 को देखे, proteins are synthesized in ribosomes, option D is the correct option। और 7 number question देखे, a process of cell division where each of the two daughter cells receives a complete set of chromosome is called what? Mitosis, option C is the correct option। और क्वेश्चन नंबर 8 देखे, 8 नंबर क्वेश्चन, a specialized protein that binds to DNA and organize its structure in the nucleus is histone, option B is the correct option। 9 number question ko dekhe, question number 9, chromosome can be counted best at the stage of, at what stage? Metaphase, option A। एंड क्वेश्चन नंबर 10 थे के, 10 नंबर क्वेश्चन को, द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड द पोल्स ऑफ द स्पाइनल इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, एनाफेज से इसमें मूवमेंट स्टार्ट करता है और इस फेज में रीच पहुंच जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखे, 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर ऑलवेज डिसअपीयर्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑप्शन बी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मेम्ब्रेन भी आप क्या लिख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखे, ड्यूरिंग मियोसिस 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाउड, आधे हो जाते हैं हाउड, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को, द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर फॉर द हाउस फ्लाई इज 12,
the haploid number of chromosomes found in their gametes would be 6. Option C. और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोसिस इज नॉट करेक्ट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोम डिवाइड एंड द सिस्टर क्रोमोसोम स्टेस टुगेदर, इट इज नॉट करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेजेस ऑफ माइटोसिस, करेक्ट पेजेस ऑफ माइटोसिस। ऑप्शन सी देखिए, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोपेज। ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हेन सेल्स अंडरगो मियोसिस, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी। मियोसिस इंश्योर्स दैट ईच न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल रिसीव्स द सेम नंबर एंड काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज नॉट करेक्ट। और आखिरी क्वेश्चन देखे, थैलेसीमिया इज ड्यू टू व्हाट एबनॉर्मल होमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।